ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, एस्ट्रो समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तुला राशि वालों, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आपको मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर यानी कि साल 2022 के आखिरी तीन महीनों में बड़ी तूफानी खबर मिलेगी, जिस खबर को सुनकर आप खुशी से झूम उठोगे। या दोस्तों, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि साल 2022 के आखिरी तीन महीनों में बन रहे दो राजयोग, धन प्राप्ति योग, सर्वाध सिद्धि योग और महालक्ष्मी योग में इन तीन महीनों में ये पांच बड़े बदलाव होंगे, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा। या दोस्तों, मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि साल 2022 के आखिरी तीन महीनों का समय बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही अच्छा समय साबित होने वाला है। इस समय में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति पूर्ण रूप से आपके पक्ष में साबित होने वाली है। या दोस्तों, इन तीन महीनों में ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से आपको किन किन चीजों से फायदा होगा, किन किन चीजों से आपको सावधान रहना होगा, साथ ही साथ ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से इन तीन महीनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और स्वास्थ्य की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। या दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि साल 2022 के आखिरी तीन महीनों के सटीक और संपूर्ण राशि फल के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है, शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको आखिरी में कुछ उपाय भी बताएंगे, जिन उपायों को करकर आप अपने इन दिनों को और भी अच्छा और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, मां लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें, कमेंट्स बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें, जिससे मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कैसा रहेगा मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके लिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि साल 2022 के आखिरी तीन महीनों का यह महत्वपूर्ण समय। दोस्तों, अब समय पूर्णतः आपके पक्ष में है, वर्तमान में की गई मेहनत का पूरा फल अब आपको मिलेगा, साथ ही आप अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास और आत्मबल महसूस करेंगे। शांति की चाह में किसी धार्मिक स्थल में भी समय जल्द ही व्यतीत होगा। मन में चल रही किसी दुविधा का भी समाधान मिलेगा। संतान द्वारा कोई शुभ समाचार मिलने से घर में प्रसन्नता का माहौल रहेगा। धन प्राप्ति की दिशा में किए गए आपके सारे प्लान सफलता हासिल करेंगे। अब आप बेहतरीन तरीके से अपने कामकाजों को अंजाम देने में भी सफल रहेंगे। अपनी छुपी प्रतिभाओं को समझें और उनको सही दिशा में लगाएं। भाइयों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर सकारात्मक विचार विमर्श भी होगा। जल्द ही आपके लिए अप्रत्याशित लाभ की स्थिति बन रही है, इसलिए आप अपने आने वाले समय का सदुपयोग करें। लंबे समय से चले आ रहे किसी तनाव और चिंता से अब आपको राहत मिलेगी। धार्मिक स्थान में जाने का भी जल्द ही प्रोग्राम बनेगा। दोस्तों, आपके लिए यह समय बहुत ही लाभकारी है। अपने उद्देश्यों पर आप ध्यान केंद्रित रखें, दौड़ धूप की अधिकता रहेगी, परंतु कार्यों की सफलता आपकी थकान को भी दूर कर देगी। अनुभवी लोगों के साथ समय व्यतीत करने से कुछ बेहतर आपको सीखने को भी मिलेगा। अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो उसे पूरा करने के लिए योजनाएं भी बनेंगी। सभी प्रकार के रिश्तों में सुधार आएगा और चारों तरफ से आपको खुशियां महसूस होंगी। घर के रखरखाव तथा साज सज्जा संबंधित कार्यों में भी समय व्यतीत होगा। साथ ही साथ किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करते समय आप सावधानी बरतें, कोई नकारात्मक बात आपसी संबंधों को खराब कर सकती है। आलस की वजह से काम को कुछ टालने की भी प्रवृत्ति रहेगी। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई के प्रति ज्यादा एकाग्रचित रहें। कभी कभी आत्मविश्वास में कमी तथा आलस की वजह से बनते कामों में भी रुकावट आ सकती है। अपनी नकारात्मक कमियों को दूर करके आप बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों के साथ ज्यादा घूमने फिरने में भी समय व्यर्थ आप ना करें, समय का सदुपयोग करें। दोस्तों साथ ही साथ कोई अप्रिय समाचार मिलने से मन व्यथित रहेगा, किसी भी महत्वपूर्ण वस्तु के चोरी होने या फिर गुम हो जाने का भी भय है। कई बार किसी मुद्दे पर ज्यादा सोच विचार करने की वजह से कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी आपके हाथ से निकल सकती है, थोड़ा सावधान रहें। शेयर, सट्टा आदि में किसी प्रकार का आप निवेश ना करें, तथा साथ ही साथ किसी अनजान व्यक्ति से वाद विवाद में भी आप ना पड़ें। घर में मेहमानों के आगमन से कुछ महत्वपूर्ण काम भी रुक सकते हैं, इसलिए अपने काम काज के प्रति सजग रहें। साथ ही साथ पुराने झगड़े दोबारा उभर सकते हैं। पढ़ाई कर रहे बच्चों में आलस रहेगा, खासकर पैसों के मामलों में किसी पर भी आप अधिक भरोसा ना करें। कोर्ट केस संबंधित मामलों में चर्चाएं भी हो सकती हैं, जिसमें आपको सफलताएं भी प्राप्त होंगी। कभी कभी आपकी शक करने की प्रवृत्ति आपके लिए परेशानी का कारण बन जाती है, इसलिए अपनी सोच को सकारात्मक बना कर रखें, आपके लिए हितकारी रहेगा। दोस्तों बात करें आपके प्रेम जीवन की, तो पारिवारिक सदस्यों के साथ मनोरंजन तथा शॉपिंग में समय व्यतीत करने से आपसी संबंधों में और अधिक मधुरता आएगी। कामकाज के साथ साथ परिवार के सभी सदस्यों का ध्यान रखना भी आपका दायित्व है। किसी गलत फहमी की वजह से घर में किसी सदस्यों के साथ मतभेद हो सकते हैं। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य का भाव विद्यमान रहेगा। पारिवारिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना भी आपके लिए अति आवश्यक है। रिश्तेदारों से संबंधित कोई शुभ सूचना मिलने से घर में उत्सव भरा माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में भी और नजदीकी आएंगी। पति पत्नी से संबंध मधुर रहेंगे। प्रेम संबंधों में अपने साथी के प्रति ईमानदार रहें। व्यवहारिक संबंध मधुर रहेंगे, परंतु मित्रों से अधिक मेल जोल रखना आपसी संबंधों में परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं आपके व्यवसायिक कैरियर की, तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। आप किसी भी तरीके से अपने काम को निकलवाने में सक्षम रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को भी अपना काम कुशलता से पूरा करने पर सीनियर ऑफिसरों से सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। सहयोगियों और कर्मचारियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। जिस कार्य को आप सहज और सरल समझ रहे थे, वे बहुत ही मुश्किल भरा होगा, इसलिए अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से एकाग्रचित रहने की आपको आवश्यकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपनी फाइल व दस्तावेज बहुत ही अधिक संभाल कर रखें। कार्य क्षेत्र में शांति प्रिय तरीके से काम संपन्न होते जाएंगे, तथा अपनी जिम्मेदारियों का भी निर्वहन आप बखूबी करेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति अतिरिक्त आय प्राप्त करने के लिए भी किसी प्रकार का प्रयास ना करें, क्योंकि किसी प्रकार की मान हानि के भी योग बन रहे हैं। कुछ नए व्यवसायिक अनुबंध आपको प्राप्त होंगे। पेपर वर्क करते समय बहुत ही आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता है, जरा सी भी लापरवाही नुकसानदायक साबित हो सकती है। इस समय कार्य की गुणवत्ता को और अधिक बेहतर करना अति आवश्यक है। प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी, तथा व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं बनेंगी और सफल भी होंगी। नौकरी में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेने से आपको राहत भी मिलेगी। कार्य क्षेत्र में धन प्राप्ति के लिए किए गए नए अनुबंध विकसित होंगे, तथा नई योजनाएं बनेंगी। रुके हुए सभी कार्य भी आपके निपटेंगे। कोई नया काम शुरू करने से पहले अपने घर के अनुभवी व्यक्तियों की सलाह अवश्य लें, आपके लिए लाभकारी रहेगा। दोस्तों बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कफ और खांसी की वजह से गले में और छाती में सूजन महसूस होगी। लापरवाही बिल्कुल भी आप ना करें और उचित इलाज लें। साथ ही साथ अत्यधिक काम की वजह से थकान व कमजोरी महसूस होगी। समय समय पर आराम भी लेना आपके लिए
आवश्यक है। साथ ही साथ अपने खान पान पर भी आप विशेष रूप से ध्यान दें। तला हुआ भोजन आप ना करें, परहेज करें, सुपाच्य भोजन करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को और भी अच्छा रखने के लिए आप रोजाना योग करें, व्यायाम करें, स्वस्थ रहें। जय दोस्तों, बात कर लेते हैं इन दिनों आपके लिए विशेष उपाय क्या रहेगा। जय दोस्तों, इन दिनों आप अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों की मदद करें, अन्न धन का आप दान करें, सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार किसी भी दिन करें, कोई दिन निश्चित नहीं है, किसी भी दिन जैसा आपको बने, जितना आपको बने। और साथ ही साथ एक उपाय यह भी विशेष तौर पर करें, आप क्या करें, प्रत्येक शुक्रवार के दिन आप खीर बनाएं, कम से कम 11 शुक्रवार लगातार। या दोस्तों, कम से कम 11 शुक्रवार लगातार, अगर लगातार 11 शुक्रवार ना कर सकें तो लगातार आपको 3 शुक्रवार तो करनी ही है। क्या करें, खीर बनाएं। खीर किस प्रकार बनाएं, दूध, चावल, मिश्री डालें, उसमें आप इलायची डालें, तुलसी का एक पत्ता। इसके बाद खीर बनाने के बाद सर्वप्रथम मां लक्ष्मी को भोग लगाएं, गाय को भोग लगाएं, और फिर आप काली चींटियों के लिए थोड़ी खीर डालें, जहां चींटियों के बिल बने वहां डाल दें आप। ऐसा करने से यदि कोई कर्ज है, धन नहीं टिकता, तो धन भी टिकने लगेगा आपके पास, किसी न किसी माध्यम से धन की प्राप्ति आपको होने लगेगी। बहुत ही लाभदायक उपाय, विशेष लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ आप क्या करें, आप प्रत्येक शुक्रवार को सूर्य अस्त होने के समय, शाम के समय क्या करना है, घर के मुख्य द्वार पर आपको एक घी का दीपक जला देना है, उस दीपक में 2 लौंग आपको डाल देनी है। प्रत्येक शुक्रवार को यह उपाय करें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा, घर में नकारात्मक ऊर्जा है वह घर से निकलेगी, और आपके घर में धन धान में वृद्धि होगी, किसी न किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होने लगेगी। या दोस्तों, ये इस वीडियो में हमने आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर साल 2022 के आखिरी 3 महीनों का संपूर्ण सटीक राशिफल बताया, साथ ही साथ आपको उपाय बताए। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।